हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का दिन, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और वो दिन क्या है बताऊं? ये देखो, ये लड़की आज मेरा रिजल्ट आएगा। आज इनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आज जिसमें सब गोबर ही होगा, पक्का गोबर हो गया, पता नहीं क्या होगा। और अगर कम मार्क्स आए तो क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करती मैं क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन तो हो ही जाएगा, पास तो हो ही जाओगे, बट अच्छे से पढ़ाई किया करो, थोड़ा अच्छे मार्क्स लाया करो। अभी रिजल्ट आया नहीं तभी मैं बता देती हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स, मुझे इसके ऊपर भरोसा ही नहीं आता कभी मार्क्स के ऊपर। ओरल बोलोगे ना, ओरल के ऊपर फुल 100% कॉन्फिडेंस रहती हूँ मैं कि ये बहुत अच्छे से करेगा, बट जब रिटर्न की बारी आती है ना तो मैं खुद हो जाएगा कि ठीक है चलो जो लिखेंगे ठीक है। तो अब मैं फटाफट जाती हूँ, इनका रिजल्ट लेकर आती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। अरे एक्चुअली वो धो रहे ना पूरा, ये पापा ने भी पानी रख दिया। चलो चलते हैं। कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए लाना है? कुछ कुछ खाओगे? ओके। हरे भरे झाड़, हरे भरे झाड़ को हरा करने के लिए पानी देना पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में। हाँ ना यार, सूख गया, मर ही गया ये, और ज्यादा हो गया था। इसको भी चेंज कर लेते यार। इसको देखो कितना उगाया हूँ मैं वापस। देखो नीचे आया ना यार। इसमें भी कुछ लगा देते, इसमें भी अपना डाल दो मिर्ची विर्ची कुछ। इसको हाँ नहीं, इसको तो मैं कुछ अलग बनाऊंगा, रुको ना। मैंने एक प्लांट देखा है जिसको ना, इंडियन प्लांट, जिसको ये नहीं लगता है धूप नहीं चाहिए। अभी देखो ना, ये मेथी लगाया था, जिस साइड सन रहता है वहाँ पर उग रहा है, यहाँ के लोग मर रहे हैं। हाँ वही बात है। तो इसको निकाल के तो आज भाजी खा लूंगा, खा लो ठीक है। उसके बाद अभी नया प्लांट लगाऊंगा, इसमें एक तो करेला लगा दूंगा, करेला इसके से ऊपर घूमता है ना बिल्कुल, और करेला मुझे खाना भी है। वाह, मैं अभी आती हूँ। तुमको कुछ चाहिए? कुछ खाओगे? क्या शाम को रिजल्ट देखा? कैसा है तुम लोग की तरह ही ना, खानदान कैसे होना चाहिए, मतलब खानदान कैसे होना चाहिए। देखो ये इनका रिजल्ट है, अच्छा ना यार। देखो क्या लिखे हैं, लैंग्वेज में तो गड़बड़ रहेगा ही। C1 है क्या? इंग्लिश में C1 सही है क्या? नहीं, पापा मराठी C2, अब बताओ मैथमेटिक्स C1, कंप्यूटर B2, जाने का। देखो ओकरे ऊपर भी सी पे भी इनके माई चॉकलेट खिलाओ थे, 50,000 फीस भर रही हो, पास कैसे हो रहे हैं? बाची को पैसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर पास होने का 50,000 है तो मैं हर साल बढ़ते रहूं। सोच है पास हो 50,000, ऐसी माँ है सी पे चॉकलेट खिला रही है, खड़ा गई थी सामने बिना चप्पल। देखो गाने के नर्सरी पे पास हुआ है ये, वो टाइम था जब पेट दिया करते थे, अभी मुझे कोई हाथ उठाने नहीं देते। यही है, तुम ही बोलते ना जाने दो छोड़ो, तुमको कितना मार्क्स मिला था। कोई बात नहीं, जाने दो, सबसे बढ़िया संभाल के इसको है ना, सब फ्रेम करवा के रखेंगे इसके मार्क्स। मैया सुनो, गंगा लड़की मैया, कुछ आए ना पी में तो हमेशा A2 आना पक्का है। मतलब नहीं करता बाबू, अरे मतलब करते नहीं, घर में कोई चीज तुमसे छूटेगी। लैपटॉप भी गया, फोन भी गया, टीवी भी गया, सब। अपनी मर्जी से खेलते हो, अपने मर्जी से ले लेते हो क्या सब? अरे मैंने खरीद लिया, दादाजी को करना पड़ेगा आपके दाम से। सब परेशान हो गए, छुट्टी क्या हो गई इन लोगों को? 3-4 अमृतसर खरीदने आपको? हाँ जमाने में इनको कुछ मिला नहीं, ऐसा लग रहा है बस अभी छुट्टी हुई तो क्या क्या खेल लूं। रोज ली है शाम, और आज है शनिवार तो ऑफ कोर्स दर्शन करना है, तो
तो फटाफट पहले चल के ना दर्शन करके आती हूँ और फिर शाम का क्या सीन रहेगा खाने वाने का आने के बाद देखती हूँ। हैदराबादी बिरयानी है ना, ये दो लो और दो सब्जी इसमें से ले लो। देखो जैसे 10-15 मिनट में आओ। तो दर्शन तो कर लिया था, दर्शन करने के बाद खाने वगैरह का जब होने लगा डिस्कशन तो ये हुआ कि बाहर से कुछ ले लेते हैं पार्सल, और थोड़े से वहाँ से मतलब मोस्टली सारी चीज़ें पार्सल ले ली हैं, बस इनको चाहिए रोटी। तो मैंने बोला मैं घर पर ही रोटी सेक लेती हूँ क्योंकि बाहर का यार उतना मज़ा नहीं आता रोटी खाने में। तो यहाँ पर हमारा जो डिनर वो रेडी हो गया। एक्चुअली सीन क्या हो गया ना, आरफ को मंगाना था उसका फ्राइड राइस, बट वो एक पार्सल लेकर नहीं आ रहा था। अभी लास्ट मोमेंट में उसने बोला तो उसके साथ में मुझे पाव भाजी भी मंगानी पड़ गई, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया आज खाना। हाँ, तुमको पहले बोलने नहीं आता है कि तुम भी ऐसा कुछ खाओगे? जब बोल रही थी तभी बोले। अरे मैं क्या बोलूँ अभी, छोड़ो। ये लो पानी दे करो दादाजी को। ये सारे काम मुझसे करवा रही हो, खड़े हो तो क्या करोगी। तो यहाँ पर इसका रेड राइस, एक्चुअली सेजवान राइस को ना रेड राइस बोलते हैं, तुम्हारा रेड राइस। अरे इनको ग्लास दे दो। अब मुझे चाहिए ना तुम्हारा खाना, और कोई कुछ लेगा पापा? आप लेंगे नहीं? कुछ ले ना, ये जब मैं खा लूं। आरफ तुमको राइस दूं? हां भाई, अब बस रहने दो, बहुत तीखा है। तीखा है, मैंने उसको बोला था कम बनाने। चलो बाय। अल्लाह कभी गया मुझे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो भाई, मैं खाना खा लेती हूँ तब तक। भाई गुड नाइट। रो रहा था वो वहां से, वो मुझे एक्चुअली पप्पी देने के लिए आ रहा था, और वो डोर कर्टन वहां पर लगा ना उसके हाथ के ऊपर ही लग गया जोर से। नहीं नहीं कोई नहीं हंस रहा है, जाओ बाय गुड नाइट। सीन ये है ना, दो मिनट। हाँ मम्मी खींच दो कि कल। हाँ मम्मी, नहीं नहीं ओके। तो सीन ये है कि हमको कल सुबह निकलना है, एक्चुअली प्लानिंग चल रही थी बट कंफर्म हो गया अभी शाम को कि हम कल एक बहुत ही अमेजिंग जगह जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यार, कल दो दिन जो व्लॉग आने वाले हैं ना वो बहुत ही खतरनाक आने वाले, तो अब जरूर देखना। तो ऑफकोर्स क्या है, क्या प्लानिंग की है वो कल की वीडियो में आपको पता चलेगी। तो अभी फिलहाल मैं डिनर करती हूँ और करूंगी इस व्लॉग को एंड। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नई व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।